हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, ऐसे ही मन कर रहा था तो। और हाँ, मन इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं बना रही थी सैंडविच, और दिन नाश्ता मम्मी और दीपू ये लोग बनाते हैं तो इसलिए मैं नहीं बनाती थी व्लॉग भी। आज मैं बना रही तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ साथ में। सैंडविच के लिए मैंने प्याज, खीरा और टमाटर ये तो सब कुछ चॉप 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 कर लिया है। अब मुझे चाहिए है शिमला मिर्च, तो एक शिमला मिर्च मम्मी बोल रही है खेत में लगी है, किचन में गार्डन में है। हाँ मम्मी बोल रही है हमारे किचन गार्डन में है तो मैं वहीं से तोड़ के लाती हूँ। ठीक है, बीन्स भी है उसका, किसी दिन मोमो बनाएंगे तो अभी मैं जाती हूँ उसको तोड़ करके लाती हूँ। बहुत धूप हो रही है बाहर, सुबह 8 बजे रास्ता तो है वहां से, लेकिन मैं उतना नहीं जाके, मैं जाऊंगी शॉर्टकट यहाँ से। मैं तो मम्मी से पूछना ही भूल गई कि लगाया कहाँ पे है। अच्छा ये लगे हैं, ये दोनों तो छोटे हैं, एक ये लगा है थोड़ा सा, इसको तोड़ लेते हैं आराम से। ज्यादा बड़ा नहीं मिला, बस छोटा सा ही था, अभी शायद हुआ नहीं अच्छे से। और मिर्ची भी लगी है, इन सबको तोड़ के लाना बोला था मम्मी ने। मिर्च एक दो ले जा लेती हूँ। यहाँ से मैं आ तो गई थी पर जा नहीं पाऊंगी, अब जाने के लिए मुझे सीधे रास्ते ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बैठी है मियाऊ, जो मुझसे डरती है थोड़ा थोड़ा, भाग गई। और ये है हमारी गयू, ये वैसे पहले मेरी मौसी थी, अब इसको मैंने चेंज कर दिया गयू में, क्योंकि इनको मौसी बोलने वाला तो कोई रहा नहीं है ना। तो अब जल्दी से फटाफट से अंदर जाती हूँ, और अब एक दिन मैं किचन गार्डन वाली वीडियो भी बनाऊंगी। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए बना नहीं पा रही हूँ। धूप हो रही है वैसे, आजकल ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं है धूप की वजह से, सूखा सूखा हो रहा है हर जगह, पर 2-3 पेड़ हैं जिनमें लगे रहता है, तो वहीं मैं बनाऊंगी अब किसी दिन। अब मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि दीपू के जाने का टाइम हो गया है, तो बनाती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो सब्जियां तो मुझे लग रही है कि बहुत ज्यादा हो गई है, ये तो पूरा डोंगा भर के हो गया है, देखते हैं ज्यादा तो ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। वैसे आज बनने वाला है मेरा गरीब वाला सैंडविच, तो मेरे पास और कुछ तो है नहीं डालने के लिए। काली मिर्च है, उसको भी पिसेगा कौन यार, पिसी भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ। और चाट मसाला ये सब कुछ भी है नहीं, ऑरिगेनो ये सब कुछ नहीं है, तो मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा रायता मसाला, क्योंकि रायता मसाले का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हर चीज़ में रायता मसाला ही मिला देती हूँ, इसमें भी ये डाल देती हूँ। अब बनने के बाद देखेंगे कैसा होता है। अब फिर से मेयोनीज निकाल के लाती हूँ। ठीक है, पहले इसको मिक्स कर देते हैं। आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसमें मेयोनीज भी डाल दिया है और इसको मिक्स करती हूँ, देखती हूँ कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले मैं एक ट्राई करके देख लेती हूँ कि कैसा बन रहा है, उसके बाद ही आगे स्टार्ट करूँगी।
ये तो काला हो गया, ज्यादा ही ज्यादा गर्म हो गया सर। निकाल देती है तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रायल। अब ये तो हल्का सा ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि मैं जल्दीबाजी में बना रही थी। अब मैं गैस कम करके बनाऊंगी, पहले सारे ही ऐसे बना के इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद सेकते जाऊँगी एक करके, नहीं तो ऐसे तो बहुत हो जाएगा। तो बन रहे हैं, बड़े मस्त बने हैं। देखो गाइस, एक यहाँ पे बन रहा है, ये बन गए, ये ठंडे हो गए तो इनको मैं खा लूँगी। ये मैं देख के आती हूँ मम्मी को। और गाइस मेरा पसीना देखो, हालत ख़राब हो गई गर्मी से। सैंडविच खाते तो सॉस के साथ है, पर मम्मी किसके साथ खा रही है? बूंदी के रायते के साथ। मम्मी ने बोला ऐसे अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो ठंडा खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैंने बूंदी का रायता बनाया अपने लिए, उसके साथ खा रही है। कितना बड़ा मुंह खोल लो, कितना बड़ा। पहले ये बिल्ली मेरे पास आती नहीं थी और अब देखो कैसे खेल कर रही है। इसको दो तीन दिन मैंने दिया ना इसका खाना पानी, तब से मेरे पास आने लग गई है, है ना? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ राम, रुक जा, कहाँ चिप गई? फिर और देख रही, कहीं झपट्टा तो नहीं मारेगी? क्या है, क्या है? हाँ खेल करते करते इतने मस्ती में आ गई, मुझे मार ली। खुजलाने के लिए कह रही है, इसकी शर में जूहे पड़ गए लगता है, है ना? जूहे पड़ गई शर में। चलो मुझे मारा था, मुझे मारा था, मुझे मारा था, मुझे मारा था, मुझे। अभी मैं उठने के बाद शाम को पीछे बैठने के लिए आ गई थी घर के पीछे साइड, क्योंकि यहाँ पे धूप कम लगती है और पेड़ भी हैं, पेड़ की छाव भी है, तो मैंने यहीं पे बैठ के एडिटिंग करी क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और बाहर साइड भी बहुत गर्म हो रहा था आंगन की साइड, तो मैं यहाँ पे आराम से एक चेयर लगाई और यहाँ पे बैठ गई। अब आगे जाते हैं क्योंकि चलाना है पानी, मम्मी दूध डेरी गई है तो थोड़ा पानी चलाते हैं, ठंडा ठंडा पानी से हाथ मुंह धोते हैं। आ जाओ मियाँ, आओ आ जाओ, चलो चलते हैं आगे, आओ चलो आओ। कैसे जा रही है? अभी मैंने खा लिया है खाना और अभी बज चुके हैं 10:30, मतलब ऐसे 10 बजने ही वाले हैं। मेरी शादी की वो आ गई थी, पेन ड्राइव आ गई थी, तो मम्मी वीडियो देखने में लगी है, इसलिए खाना बनाने में भी लेट कर दिया। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, अभी मैंने ही खाया, अभी मम्मी लोगों ने किसी ने खाया नहीं है। अभी पापा आएंगे फिर मम्मी लोग तो शायद तभी खाएंगे। हम लोग उस समय कहीं बगल में गए थे ताई जी के वहाँ पे, और मम्मी के लिए वीडियो लगा के गए थे, तब तक मम्मी वीडियो देखते देखते घर में बैठ के रोने में लगी थी, वीडियो विदाई वाली वीडियो देख के। पता नहीं मम्मी को विदाई वाली वीडियो देख के अभी तक रोना क्यों आ रहा है। और एक जगह पे शायद मम्मी रो रही होगी सिर्फ, और कोई नहीं रो रहा था, तब मम्मी कह रही और किसी को बुरा नहीं लग रहा है कि और कोई रो क्यों नहीं रहा है, ऐसा कहते कहते फिर से दोबारा से रो गई थी। बस यही है मम्मी का और क्या ही है। तो अब खाना तो खा लिया है, अब मुझे एडिटिंग करनी है, कल की वीडियो भी मेरी अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो मैं कल की वीडियो पहले एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद जल्दी से सो जाऊँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।